नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अकरम। क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वो एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं जिसको खेल को लेकर लगातार हम जो है काफी ज्यादा चिंताजनक है। दरअसल जो है इस समय इस पूरे विवाद को लेकर के कहा जा रहा है कि बागी विधायकों के संपर्क में उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे ने इस बात के दावे कई बार किए हैं कि महाराष्ट्र में अगर उन बागी विधायकों को तोड़ना चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो कभी भी इस तरीके के कदम को ज़बरदस्ती नहीं उठाएंगे। अगर वो तमाम के तमाम विधायक उनके साथ जुड़ना चाहते हैं जाहिर सी बात है कि उनकी वापसी को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन इस समय जो बड़ी खबर है दर्शकों वो ये दर्शाती है कि प्रदेश में भले एकनाथ शिंदे ने तोड़ जोड़ की राजनीति करके जो है सीएम पद अपनाया हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस समय वो सत्ता में जो है किस तरीके से जो है बने रहें और सत्ता में जो वापसी को लेकर के लगातार दावे किए जा रहे हैं एमवीए गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा, क्या उनके दावों में कोई हकीकत है और क्या वाकई महाराष्ट्र में इस तरीके की परिस्थिति बन रही है कि जो है बागी विधायक जो है बगावत कर सकते हैं, बागी विधायक जो है एकनाथ शिंदे के खिलाफ जा सकते हैं। ये तमाम बातें जो अब देखने वाली होंगी और जो है इसको लेकर के ये कहना काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी होगी कि विधायक जो है जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएंगे। फिलहाल इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि बैठकों का दौर चल रहा है और उन बैठकों के दौर के चलने की वजह से ही इस तरीके की बातें जो है सियासी गलियारों में लगातार अब होनी शुरू हो गई है। हमारी बारीक नज़रें बनी हुई है, जो भी तमाम अपडेट आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।